वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम, आई उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ को जो है इंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज, माय नेम इज़ ईशान अली। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वर्ल्ड पॉपुलर लीडर्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द फाउंडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वाज आयतुल्ला खुमैनी। जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो फाउंडर है वो आयतुल्ला खुमैनी है, और आयतुल्ला खुमैनी गोट पॉपुलैरिटी ड्यू टू द ईरानियन रिवोल्यूशन। व्हेन डिड इस्लामिक रिवोल्यूशन अकर इन ईरान। ईरान में जो इस्लामिक रिवोल्यूशन है वो कब रोनमा हुई? 1979 में। द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो नेल्सन मंडेला है। पहला ब्लैक प्रेसिडेंट जो साउथ अफ्रीका का है वो नेल्सन मंडेला है, और नेल्सन मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994 में जो है नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट हमारे पास है नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन फॉर 27 ईयर्स। में जो 27 साल जो है वो नेल्सन मंडेला प्रिजन में रहे। नेल्सन मंडेला गॉट पॉपुलैरिटी ड्यू टू एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के जरिए जो है वो उन्होंने मशहूरियत मतलब पॉपुलैरिटी जो है वो हासिल की। नेक्स्ट है, हु इज़ द लीडर ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो लीडर है वो कौन है? नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्टे वाज द किंग ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो किंग थे या बादशाह थे किसके? फ्रांस के। द मैन ऑफ डेस्टनी इन यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो नेपोलियन है। नेक्स्ट, एडल्फ हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933। 1933 में जो है वो एडल्फ हिटलर जो है वो चांसलर ऑफ जर्मनी बने। नेक्स्ट हमारे पास है मेरी और माई फाइट इज अ बुक ऑफ एडल्फ हिटलर की जो है ये किताबें हैं। विच पोलिटिकल पार्टी वॉज एसोसिएटेड विद हिटलर। कौन सी पार्टी जो है वो हिटलर से एसोसिएटेड है या मुंसलिक है? वो है नाजी पार्टी। नेक्स्ट है, हु इनिशिएटेड द वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू जो है वो किसने स्टार्ट की? एडल्फ हिटलर ने। हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ सीरिया। सीरिया का जो प्रेजिडेंट है वो कौन है? बशर अल असद। बशर अल असद गॉट पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द सीरियन सिविल वार। सीरियन सिविल वार के दौरान जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल की बशर अल असद ने। इस तरह के मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।